सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनू देव। आज हम वो बात जानने का प्रयास करेंगे जो इतिहास के पन्ने में दब कर रह गई है। धर्मगुरु एडवोकेट राजदेव बौद्ध ने बताया कि क्या हमारी भारत की महिला स्तन कर के बारे में जानती है? क्या वो भूल गई है कि इनके साथ किस तरह से दरिंदगी वाला व्यवहार किया जाता था, किस तरह से महिलाओं का इज्जत का हनन की जाती थी? केरल का एक जगह है जिसका नाम है त्रावणकोर, जो भारत देश में ही है। वहाँ स्तन पूरा रखने की प्रथा थी, जो केरल की निचली जाति थी जिसको समाज ने नीच बनाया। एजवा है, शेनार है या शनारस है, नडार है, इन जाति की महिलाओं को स्तन खुला रखने का प्रथा बना हुआ था। और जो वहाँ के राजा थे, महाराजा, जिन्होंने इस प्रथा को लागू किया था, उसका नाम था अमियाम तिरुनाल मार्तांड वर्मा, जिसका जन्म हुआ था 1726 में, जो 7 जुलाई 1758 ईस्वी को देहावसान हुआ यानी मर गया। उन्होंने अपने राजकाल 1729 से 1758 तक यानी 125 वर्षों तक यह प्रथा जारी किया। इतनी विदर्भ प्रथा थी कि निचली जाति की कोई भी महिला अपने स्तन को ढक नहीं सकती थी। अगर ढकने का प्रयास किया तो स्तन कर देना पड़ता था यानी ब्रेस्ट टेक्स देना पड़ता था। वो कैसा नापी होता था कि ब्राह्मण जो होते थे वो टेप से स्तन की साइज नापते थे, कितना लंबा कितना चौड़ा है, और तब जो है सूट टेक्स होता था। उसी समाज के त्रावणकोर जगह में एक महिला थी नांगेली, जो वीरंगना थी। उन्होंने हिम्मत लाई कि मैं इस प्रथा का विरोध करूंगी, और उन्होंने अपने पति से राय किया कि इस प्रथा को विरोध करने में बलिदान भी जा सकता है, आप मेरा साथ दीजिए, किसी न किसी का तो आगे आना पड़ेगा। तो नांगेली का पति चिरकुंडन ने कहा कि ठीक है, हम लोग विरोध करेंगे चाहे जो हस्त होगा। तो उन्होंने स्तन को ढकना जब शुरू की तो यह राजा के पास खबर गया और ब्राह्मण आया टैक्स लेने के लिए। उन्होंने समझाई कि आप लोग ऐसा जुल्म क्यों करते हैं, नारी को इज्जत कीजिए, जैसे आपकी माँ बहन है वैसे मैं भी माँ बहन हूँ, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। लेकिन उनकी नांगेली की बात उन्होंने नहीं सुना, टैक्स लेने के लिए यानी स्तन कर लेने के लिए जिद करने लगे और धमकी भी देने लगे। और वह बहन कहिए, हमारे समाज की एक आदर्श महिला कहिए, और जिन्होंने भीतर गई घर के अंदर और चाकू से दोनों स्तन काट करके केला के पत्ता पर उन्होंने समर्पित किया, यह देख करके जो टैक्स लेने गए थे भागने लगे, हाहाकार मच गई और इतना ब्लीडिंग हुआ कि वह वीरंगना नांगेली मर गई। और मरने के बाद जब चिता सजा तो उस चिता पर उसका पति चिरकुंडन भी कूद करके अपने प्राण की आहुति दी। और भारत में हम महिलाओं को सती बनते देखा है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन चिरकुंडन ऐसा एक पुरुष है, वीर पुरुष, निची जाति का कहिए, जो समाज ने बनाया कि सबसे पहले अपने पत्नी के साथ सती बनने का प्रथम स्थान प्राप्त करता है। आज मैं बुधा पैलेस में वीरंगना नांगेली जी को और उनके पति चिरकुंडन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रथा का विरोध किया जान गंवा करके। और जब विरोध होने लगा तो अंग्रेज, उस जमाने के जो आपका अंग्रेज गवर्नर थे ट्रेवेलियन, अंग्रेज गवर्नर ट्रेवेलियन ने अपना आदेश 26 जुलाई 1859 को पारित किया। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने बाध होकर के 1865 में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। और आज वहाँ के हमारे माँ बहने अपने स्तन को ढकती है। तो मैं गवर्नर को भी सैल्यूट करता हूँ, उस राजा को मैं सैल्यूट नहीं करता हूँ जो इतना बेदर्द प्रथा जारी किया। और मैं बार बार केरल की वीरंगना नांगेली माता और उसके पति चिरकुंडन को मैं भारतीय बौद्ध महासभा बिहार इकाई की तरफ से, सिवान जिला इकाई की तरफ से, यानी पूरे बहुजन समाज की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
और मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है। संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि अत्याचार को बर्दाश्त करना भी गुनाह है, इसलिए हम कहीं भी रहे तो अत्याचार का विरोध करें, यही मनुष्य का कर्तव्य है। समाज में भाईचारा लाए, सबको जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करें। मानव को भोजन वस्त्र के अलावा सम्मान की भी आवश्यकता है, सभी मानव को सम्मान की जिंदगी जीना चाहिए। अगर इस जिंदगी में कोई दखलअंदाजी करता है, असमानता पैदा करता है, तो माता नंगेली की तरह और उसके पति चिरकुंडन की तरह हम लोगों को विरोध करना चाहिए, तब जाकर समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और करुणा स्थापित होगी। धन्यवाद।